कस्टमर के लिए रेनो 7 और रेनो 7 प्रो स्पेशल विजिट होगी कस्टमर के साथ और इजी मोड पे होगी। तो कस्टमर 22 तारीख तक अगर हमसे रेनो 7 या रेनो 7 प्रो परचेस करता है तो उसके लिए स्पेशल ऑफ़र है, वो मैं आपको वीडियो में ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि कॉपी हो जाती है हर चीज़ की, इसलिए वो कस्टमर के साथ मेरी स्पेशल विजिट होगी रेनो 7 और रेनो 7 प्रो की। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है निर्मल और आप देख रहे हैं निर्मल्स बेस्ट टेक। तो आज का आपने टाइटल देख लिया होगा कि किस टॉपिक पर वीडियो होने वाली है आज की। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आज हम बताने वाले हैं आपको ओप्पो के फ़ोन जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिलते हैं ऑफलाइन शॉप पर। तो सारे फ़ोन्स का मैं प्राइसेस बताऊंगा ओप्पो में जो भी फ़ोन्स आएंगे, और सबसे मेन बात इस वीडियो में ये रहेगी कि आपको ओप्पो का जो रेनो 7 सीरीज़ है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो वो एक मेन हाईलाइट रहेगा इस वीडियो का, तो वो आपको मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। और मेरा शॉर्ट्स चैनल भी आप वहाँ पे भी मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ इस चैनल से रिलेटेड। तो मैं आपको कैमरा स्विच करके बता देता हूँ शॉप कौन सी होने वाली है आज की। तो गाइज आप देख सकते हैं आज की शॉप होने वाली है हमारी ओम साई राम मोबाइल। तो आज मैं इसी शॉप पर वीडियो बनाऊँगा और आपको ओप्पो के सारे जो फ़ोन्स अवेलेबल हैं शॉप पर वो सारे बताऊँगा और उनके सारों के प्राइसेस भी हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाले हैं। तो अंदर जाते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से फ़ोन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो गए हम सबसे पहले शॉप के अंदर चलते हैं और जो शॉप के ओनर हैं भैया उनसे हम बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले आप अपना नाम, शॉप का नाम और शॉप का एड्रेस बता दीजिए व्यूअर्स को। मेरा नाम धर्मेंद्र चौक से है और शॉप का एड्रेस है स्टेडियम कॉम्प्लेक्स मेन रोड बैरसिया दशहरा मैदान। तो भैया आप भैया से बोल दीजिए कि वो फ़ोन दिखा दें, और आपकी शॉप पर अभी ओप्पो की रेनो सीरीज़ भी आ गई है तो आप अगर उसका कुछ बोलना चाहते हैं तो वो भी आप बोल दीजिए। ओप्पो का आज सेगमेंट है, सारे ओप्पो के फ़ोन के बारे में आपको बताएंगे जो जो मॉडल हैं, और दो अभी नए मॉडल आए हैं रेनो 7 प्रो और रेनो 7 जो प्रेजेंट में उपलब्ध मिल जाएंगे आपको, और उनके बारे में भी आपको फ़ीचर्स के बारे में बताया जाएगा। अभिषेक आपको सारे फ़ोन के विषय में बताया जाएगा। ठीक है भैया, और गाइस हम अंदर चलते हैं, भैया ने बोल दिया है कि अंदर जाके हम देख लेते हैं फ़ोन्स। तो भैया हमें फ़ोन दिखाने वाले हैं तो सबसे पहले हम भैया का नाम पूछ लेते हैं। तो भैया अपना नाम बता दीजिए व्यूअर्स को। अभिषेक नाम है मेरा, मैं आपको फ़ोन दिखाऊंगा आज जो रेनो 7 और रेनो 7 प्रो जो न्यू मॉडल आए हैं उनका फ़ीचर भी बताऊँगा। तो गाइस देख लेते हैं ओप्पो में आपको कौन कौन से फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो गाइस हम पहला फ़ोन देख लेते हैं कि हमें कौन सा देखने को मिलने वाला है, तो भैया आपको फ़ोन दिखा देंगे। ये अपना ओप्पो का फ़ोन है जिसमें 3 GB रैम है, 32 GB इंटरनल मेमोरी है, 5000 mAh की बैटरी है। ये रहा अपना फ़ोन। तो गाइस पहला फ़ोन हम देख लेते हैं कि कौन सा होने वाला है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो का A15 आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले, और भैया के पास डमी भी थी इसकी, तो आप इसका डिज़ाइन भी देख सकते हैं, काफ़ी स्लिम फ़ोन रहते हैं ओप्पो के, और इसके आप फीचर्स भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं। आप यहाँ पे ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा, 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले है, 4200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा रियर साइड में। तो अभी इसका हम वेरिएंट और प्राइस पूछ लेते हैं भैया से कि क्या होने वाला है ऑफलाइन मार्केट में। इसमें अपना 3/32 है, ये 10990 यानी कि 11000 रुपये का फ़ोन है। इसमें एक वेरियंट और है 4/64 आता है, वो आपको 13990 का मिलेगा, 14000 का फ़ोन है। तो गाइज इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि भैया ने बता दिया आपको, A15s भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर मेंशन है। और अभी नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है, भैया ने इसका प्राइस भी बता दिया था, तो नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं। दूसरा फ़ोन है अपना ओप्पो A16 जिसमें 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल मेमोरी, 5000 mAh बैटरी, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है इसमें अपना। सो गाइज जो नेक्स्ट फ़ोन है हमारा वो है ओप्पो का A16, आप देख सकते हैं बॉक्स पे लिखा हुआ है, और ये उसकी डमी है, गोल्डन कलर में अवेलेबल है अभी देख सकते हैं आप डमी, और इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है रियर साइड में, और 5000 mAh की बैटरी मिलेगी आपको, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, डिज़ाइन काफ़ी स्लिम है और देखने में काफ़ी सही लगता है फ़ोन। तो ओप्पो का फ़ोन है A16, और हम इसका भी प्राइस और वेरियंट पूछ लेते हैं कि क्या होगा ऑफलाइन मार्केट का। ये फ़ोन अपना 4/64 है, 13999 यानी कि 13500 का फ़ोन है। तो गाइस भैया ने इसका प्राइस भी बता दिया है आपको, तो नेक्स्ट फ़ोन देख लेते हैं कि कौन सा होने वाला है, तो भैया नेक्स्ट फ़ोन बता दीजिए। दूसरा फ़ोन होता है अपना ओप्पो A55 जिसमें 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल मेमोरी है, साइड फिंगर प्रिंट सेंसर है, 5000 mAh बैटरी है इसमें आपका।
सो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन है हमारा वो है ओप्पो का A55 और इसकी भैया के पास डमी भी है, तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन भी, आपको एक आइडिया लग जाएगा डमी से कि कैसा डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा आपको और 50 मेगापिक्सल्स का आपको AI कैमरा देखने को मिल जाएगा जो सेटअप है पीछे का, और 6.5 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, और 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये था ओप्पो का A55, आप देख सकते हैं A55 है, और इसका हम एक बार वेरियंट और प्राइस है वो पूछ लेते हैं कि क्या होने वाला है। उसमें दो वेरियंट आते हैं, एक 628 आता है, एक 464 आता है। 464 का है 1499 यानी कि 15000 का फ़ोन है, 628 है 16000 रुपये का फ़ोन। सो गाइस भैया ने दोनों जो वेरियंट थे उनका प्राइस बता दिया है, और अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा होने वाला है ओप्पो की रेंज में। तो फ़ोन ओप्पो में F19S है जिसमें 6GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी, 5000 mAh बैटरी होती है, स्क्रीन फिंगर होता है जिसमें अपना, 33W का फास्ट चार्जर होता है। सो गाइस जो नेक्स्ट फ़ोन है हमारा वो है ओप्पो का F19S जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल होता है ऑफलाइन मार्केट में, और इसकी डमी भी आप देख सकते हैं, ये भी गोल्डन कलर में अवेलेबल है डमी, आप देख सकते हैं, और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले होगी इसमें, तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, 33W का आपको फ्लैश चार्जर देखने को मिल जाता है, रैम एक्सपेंशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, और डिज़ाइन काफ़ी सही है, और आपको 3 कैमरास पीछे देखने को मिल जाएंगे, ट्रिपल कैमरा का आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा। ओप्पो का F19S है ये, और अभी इसका हम वेरिएंट और प्राइस पूछ लेते हैं कि क्या है, तो भैया बता दीजिए। अपना वेरिएंट है 628 19990 यानी कि 20000 रुपये का फ़ोन है अपना ये। तो गाइज ये आपको 19990 का देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में, तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा होने वाला है। अरे अपना दूसरा फ़ोन होता है ओप्पो का A74, 5G फ़ोन है जिसमें 6GB रैम है, 128GB इंटरनल मेमोरी, साइड फिंगर है इसमें आपका। सो गाइस एक और फ़ोन है भैया के पास जो कि 5G फ़ोन रहेगा ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का A74 है, और इसके बॉक्स पे जो फीचर्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होने वाले हैं। तो 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी है, और 18W का आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, और स्नैपड्रैगन का आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 5G चिपसेट रहेगा। तो अभी इसका हम वेरिएंट और प्राइस पूछ लेते हैं भैया से कि क्या है ऑफलाइन मार्केट में। इसका अपना 17999 फ़ोन है यानी कि 18000 रुपये का फ़ोन है अपना ये। तो गाइस ये आपको 17999 का देखने को मिल जाएगा ओप्पो का A74 5G जो कि 5G फ़ोन है। तो आपको अगर 5G फ़ोन चाहिए ओप्पो का इस रेंज में तो ये आपके पास एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अपना दूसरा फ़ोन होता है ओप्पो का A53S 5G फ़ोन होता है जिसमें 8GB रैम होती है, 128GB इंटरनल मेमोरी होती है, 5000 mAh की बैटरी होती है, साइड फिंगर होता है जिसमें अपना। सो गाइस एक और फ़ोन है ओप्पो का A53S 5G, ये भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं परचेज़ करना 5G फ़ोन ओप्पो की तरफ से। तो इसमें आपको 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है, तो और आपको मैं थोड़े से और फीचर्स बता देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं 5000 mAh की बैटरी है, और डिस्प्ले तो आपको सही देखने को मिल जाएगा, और 128GB रैम वाला वेरिएंट है, और इसका हम एक बार वेरिएंट और प्राइस पूछ लेते हैं कि क्या है ऑफलाइन मार्केट में। अपना वेरिएंट है 8128 यानी कि 16999 यानी कि 17000 का फ़ोन है अपने 5G। तो गाइस 16999 है इसका प्राइस ओप्पो का A53S 5G। तो दो 5G फ़ोन्स आपको दिखा दिए हैं भैया ने, तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट ओप्पो की तरफ से आपको कौन सा देखने को मिलेगा। ये अभी ओप्पो में न्यू मॉडल आया रेनो 7 5G होता है जिसमें 8GB रैम होती है, 256GB इंटरनल मेमोरी होती है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये रहा ओप्पो का रेनो 7 जो कि लेटेस्ट लॉन्च है ओप्पो का, और ये आपको देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में ओप्पो रेनो 7 5G, आप देख सकते हैं बॉक्स में मेंशन है, और काफ़ी सही फ़ोन है कैमरा वाइज, अगर आपको कैमरा फ़ोन चाहिए तो बहुत सही रहेगा। और इसका हम एक बार वेरिएंट और प्राइस पूछ लेते हैं कि क्या है, और आपको प्राइस भी बता देंगे भैया। 8256 में है अपना ये फ़ोन, 28990 यानी कि 29000 रुपये का फ़ोन है अपना ये। तो गाइस आपको 29000 रुपये का देखने को मिलेगा, 28990 रुपये इसका प्राइस है, भैया ने आपको बता दिया है। अभी देख लेते हैं इसका एक और वेरिएंट आता है, होता है रेनो 7 प्रो 5G जिसमें 12256 होता है ये अपना। सो गाइस एक और वेरिएंट आता है इसका, ओप्पो रेनो 7 है ये और ये 7 प्रो है, तो आपको ये वाला भी देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं 12256 वाला वेरिएंट है और ये 8256 वाला वेरिएंट था, तो आप ये वाला बॉक्स देख सकते हैं जैसा सा है,
सेवन प्रो का है ये, और इसका हम एक बार प्राइस पूछ लेते हैं कि ओप्पो रेनो सेवन प्रो का क्या प्राइस है। अपना 39,990 यानी कि 40,000 रुपये का फ़ोन है अपना। तो गाइस ये आपको 39,990 रुपये का देखने को मिल जाएगा ओप्पो का रेनो 7 प्रो, प्रो वाला मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका जो वेरिएंट है वो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि 256 वाला है, 12/256 वाला वेरिएंट। तो ये थे ओप्पो के सारे फ़ोन्स जो कि आपको ऑफलाइन में देखने को मिल जाएंगे, जो मेन फ़ोन रहते हैं वो। तो सभी का प्राइस भी बता दिया भैया ने और वेरिएंट के साथ, तो आप देख लेना एक बार कौन सा फ़ोन आपको सही रहेगा आपके हिसाब से। तो एक बार भैया का थैंक यू सो मच कि उन्होंने फ़ोन दिखाए आप सभी लोगों को ओप्पो के, तो थैंक यू सो मच भाई। ये डिमांड आ रही थी भैया के पास कि रेनो 7 और रेनो 7 प्रो का अभी तक मार्केट में फ़ोन नहीं आया, तो मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं। आपको अगर परचेज़ करना हो तो भैया के मेरे इस वीडियो में जाके मेरे ओम साई राम के नाम से मोबाइल की आईडी है, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। कोई जानकारी लेना है तो उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस भैया ने आपको बता दिया है कि आप अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, आप भैया से डिटेल्स ले सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप देख लेना और लाइक भी कर देना। सो गाइस एक बार हम भैया से बात कर लेते हैं लास्ट में। तो भैया थैंक यू सो मच, अगर आप लास्ट में कुछ व्यूअर्स से बोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। आशा करता हूँ हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ आपको वीडियो में सारी फ़ीचर्स और फ़ोन पसंद आए होंगे। अभी जो रेनो 7 के जो फीचर्स आपको बताएं कस्टमर के लिए, रेनो 7 और रेनो 7 प्रो स्पेशल विजिट होगी कस्टमर के साथ और इजी मोड पे होगी। तो कस्टमर 22 तारीख तक अगर हमसे रेनो 7 या रेनो 7 प्रो परचेस करता है तो उसके लिए स्पेशल ऑफ़र है, वो मैं आपको वीडियो में ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि कॉपी हो जाती है हर चीज़ की, इसलिए वो कस्टमर के साथ मेरी स्पेशल विजिट होगी रेनो 7 और रेनो 7 प्रो की। भैया का चैनल है और सारे अधिकांश लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का आनंद लें अच्छे से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया, और थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, थैंक यू सो मच।